bounds. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आल स्टडीज में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश यादव। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों के बारे में। इसे हम एक ट्रिक माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रिक हमारी ये है कि रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। रविनाथ टैगोर, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। रविनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? सन 1913 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था दोस्तों? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य में। और किसके लिए दिया गया था दोस्तों? गीतांजलि पुस्तक की रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के राष्ट्रगान के लेखक भी हैं दोस्तों, और ये विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हुए हैं, भारत का जनगणमन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसको इनको कब दिया गया था दोस्तों नोबेल प्राइज? सन 1930 में। किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों। इन्होंने अप्रसारित प्रकाश तरंग की लंबाई में कीड़ों मौजूद करने की रचना दी थी दोस्तों। इन्होंने जो किरण होती है दोस्तों सूर्य की, उसमें और भी कीड़े मौजूद होती हैं, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने कहा था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारे का दोस्तों हर हरगोबिंद खुराना, इनको कब दिया गया दोस्तों नोबेल प्राइज? सन 1968 में। किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों? चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों। क्यों दिया गया दोस्तों? इन्होंने आनुवंशिकी कोड की खोज की थी दोस्तों। किसने खोज की थी दोस्तों? हरगोबिंद खुराना ने। अभी हाल ही में UPPCS में दोस्तों इसका क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, हरगोबिंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए दिया गया था दोस्तों। इन्होंने किसकी खोज की थी दोस्तों? आनुवंशिकी कोड की दोस्तों खोज की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। मदर टेरेसा दोस्तों, इनको कब दिया गया दोस्तों? ये पहली विदेशी ये कहाँ की थी दोस्तों? पहली आयरिश महिला है दोस्तों जो भारत में है दोस्तों। इन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली, इसलिए इन्हें भारत का नागरिक माना जाता है। इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया दोस्तों? सन 1979 ईस्वी में। किसके क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों? शांति के क्षेत्र में दिया गया दोस्तों मदर टेरेसा को सन 1979 में दोस्तों। किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों? शांति के क्षेत्र में। इन्होंने मरीजों की सेवा, बीमार लोगों की इलाज के लिए, और इन्होंने एक चैरिटी भी स्थापित की जिसे मिशनरी ऑफ चैरिटी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने एक चैरिटी स्थापना की थी दोस्तों जिसे मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसका हम दोस्तों सुब्रह मरियम चंद्रशेखर को कब दिया गया दोस्तों नोबेल प्राइज? सन 1983 ईस्वी में दोस्तों। कब दिया गया दोस्तों? 1983 ईस्वी में दोस्तों। किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों? भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने दोस्तों व्हाइट डार्क अर्थात चंद्रशेखर लिमिट की खोज की थी। इन्होंने दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी को कब दिया गया दोस्तों? 1983 में। भौतिकी क्षेत्र में इन्होंने किसकी खोज की दोस्तों? व्हाइट डार्क चंद्रशेखर लिमिट की खोज की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमर्त्य सेन को किस सन में दिया गया दोस्तों? सन 1998 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों। अर्थशास्त्र में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान किए थे भारत के लिए दोस्तों। अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। बी एस नायपाल को सन किस में दिया गया दोस्तों? सन 2001 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद ये साहित्य के क्षेत्र में दूसरे पाने वाले भारतीय थे दोस्तों। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। वेंकट रमन रामाकृष्णन को किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों?
रसायन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में इन्होंने कोशिका के अंदर प्रोटीन मौजूद होने की खोज की थी दोस्तों। इन्होंने कोशिका के अंदर प्रोटीन मौजूद होने की खोज की थी दोस्तों। कब दिया गया दोस्तों इन्हें, सन 2009 में। किस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। लास्ट के फॉर कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया था दोस्तों, सन 2014 में। कब दिया गया था दोस्तों, सन 2014 में। किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, शांति के क्षेत्र में। और इनके साथ मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की महिला को संयुक्त रूप से दिया गया था दोस्तों। इन्होंने सन 1984 ईस्वी में दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन भी शुरू किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमारे कुछ भारतीय नोबेल प्राइज विजेता। तो फिर से इसे रिकॉल करते हैं दोस्तों, ट्रिक है हमारी दोस्तों, रवि सर हमारे हमारे सुबह आम न बिके, रवि फार रविन्द्रनाथ टैगोर सन 1913 साहित्य के क्षेत्र में, सर फार चंद्रशेखर वेंकट रमन सन 1930 ईस्वी में, किसमें भौतिकी क्षेत्र में, हर गोविंद खुराना 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में, मारे फार मदर टेरेसा सन 1979 के क्षेत्र में, 1979 में शांति के क्षेत्र में, सुबह फार सुब्रह मरियम चंद्रशेखर को किस, कब दिया गया दोस्तों 1983 ईस्वी में, भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों, आम फार अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों, ना फार बी एस नायपाल सन 2001 ईस्वी में दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में, वी फार वेंकट रमन रामाकृष्णन इनको कब दिया गया दोस्तों, सन 2009 में, रसायन के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी सन 2014 शांति के क्षेत्र में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, धन्यवाद।